आतिशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आई और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर उनकी रिहाई पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। एक बार फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बताएं, जहां मंडी शहर में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो मंडी में 300 पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। मंडी में अवैध मस्जिद के निर्माण पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कानून और सुरक्षा किसी और समुदाय के लोगों के लिए है और लाठी हिंदुओं के लिए है। हिंदू अपनी जमीनों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उन पर कानून का दबाव बनाया जाता है और सुरक्षा किसी और को दी जा रही है। और जो मैं देख रही हूँ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अपने देश में, अपने घर में, उन दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पर जो ये रोक बंदी लग रही है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए ही सारे कानून हैं, उन्हीं को अंदर किया जाएगा, उन्हीं पे लाठी चलाई जाएगी, उन्हीं पे गोलियां चलाई जाएंगी और प्रोटेक्ट किया जाएगा उनको जो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तो ये अवैध कब्जा करना जो है ये अच्छा नहीं है। कोई भी कम्युनिटी हो उसको अवैध कब्जा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। सरकार कैसे चलेगी अगर एक एक करके सब अवैध कब्जे करने लगेंगे तो कैसे चलेगी सरकार, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना कि कैसे होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तो अवैध कई वर्षों से थी और कई लोग राज करके चले गए, कईयों ने राज किया, लेकिन ये अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। तो ये तो बहुत पहले से हट जाना चाहिए था, इनको ये बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए था। जगह जगह इनकी मस्जिदें, मीर वो पीर बाबाओं के वो बन रहे हैं, तो ये भूमि इनकी कैसे हुई। हम तो ये कहने वाले हैं कि नगर निगम ने क्या इनको एनओसी दी, जो इन्होंने अवैध निर्माण किया क्या इनको एनओसी दी गई थी। अगर नहीं दी गई थी तो उस बेस पर ही ये इनका निर्माण हटाएं। अलग अलग माध्यम से मालूम पड़ा है कि यहाँ पे आज इकट्ठा होने की कॉल ली गई है। उस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ़ समबडी इज़ कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है, पीसफुली कोई आके बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट